हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो कोरिया में हुई सच्ची घटना पर आधारित है और इस मूवी का नाम है डार्क फिगर ऑफ क्राइम, जो एक सीरियल किलर और एक बेहतरीन डिटेक्टिव की कहानी है। ये कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। किम नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का एक डिटेक्टिव है, जो एक केस के सिलसिले में कांग नाम के आदमी से मिलने के लिए जाता है। कांग यहाँ पर उसे एक मर्डर के सिलसिले में बताता है। वो बताता है कि आज से 5-6 साल पहले मुझे किसी ने एक प्लास्टिक बैग डिस्पोज करने के लिए दिया था, जिसमें टुकड़ों में एक लाश थी। किम उससे पूछता है कि वो बैग डिस्पोज करने का काम उसे किसने दिया और वो बैग उसने कहाँ डिस्पोज किया, लेकिन ये बताने के बदले कांग उससे पैसे मांगता है, इसलिए किम उसे $100 और अपना कार्ड देता है। तभी अचानक होमिसाइड डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आकर कांग को गिरफ्तार कर लेते हैं। इनका इंचार्ज किम को बताता है कि उनको कांग की बहुत दिनों से तलाश थी। कांग ने अपनी गर्लफ्रेंड सूजिन का मर्डर किया था। इस घटना के 3 महीने बाद कांग किम को फोन करके जेल में उसे मिलने के लिए बुलाता है और उसे कहता है कि उसने 6 मर्डर और भी किए हैं, जिसके बारे में वो किम को बताना चाहता है। अब इस सिलसिले में किम इस मर्डर केस के इंचार्ज ऑफिसर से मिलता है, जो ऑफिसर उसे बताता है कि कांग की इस तरह झूठ बोलने की पुरानी आदत है, वो उसकी बातों पर ध्यान ना दे। लेकिन फिर भी किम कांग से मिलने जेल जाता है। यहाँ पर कांग किम से कहता है कि पुलिस ने झूठे सबूत बनाकर उसे जेल में डाला है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर तो किया है, लेकिन असली सबूत कहाँ है वो किम को बताएगा और पुलिस का झूठ सामने लाएगा। कांग चाहता है कि किम इसमें इसकी मदद करे। इसके बदले में वो किम को, जो उसने 6 मर्डर और भी किए हैं, उनके बारे में और उन डेड बॉडीज के बारे में बताएगा। किम को कांग की बातों पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं होता है, इसलिए कांग एक मैप निकाल कर उसे वो जगह बनाकर दिखाता है जहाँ पर उसने असली सबूत छुपाए हुए हैं। अब किम कांग की बताई हुई जगह पर जाता है और वो सबूत वहाँ से हासिल करता है, लेकिन इससे यहाँ पर यह साबित हो जाता है कि पुलिस ने पहले जो अदालत में सबूत पेश किए थे वो नकली थे, इसलिए अदालत उस इंचार्ज ऑफिसर को नौकरी से निकालती है और किम की फांसी रद्द करके उसे 15 साल की जेल की सजा होती है। इससे सभी पुलिस ऑफिसर किम से गुस्सा होते हैं। अब वादे के अनुसार कांग अपने किए हुए 6 मर्डर की डिटेल्स किम को देता है। किम कांग की दी हुई मर्डर लिस्ट को अब इन्वेस्टिगेट करने लगता है। अब कांग का प्रमोशन होमिसाइड डिपार्टमेंट में हो जाता है, लेकिन यहाँ का इंचार्ज किम से खुश नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से उनके डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी हुई है। किम इंचार्ज से कहता है कि वो कांग के किए हुए सभी मर्डर्स को री इन्वेस्टिगेट करना चाहता है और ना चाहते हुए भी इंचार्ज उसे परमिशन दे देता है। अब किम कांग के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए कांग के घर पर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि कांग का बाप शराब पीकर अपने बीवी को और अपने बच्चों को बहुत मारता था, जिससे तंग आकर कांग की माँ ने जहर पीकर सुसाइड कर लिया और उसकी 2 बहनों में से एक ने पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। अब किम कांग की सिस्टर से बात करता है तो उसे पता चलता है कि कांग का बाप भी 20 साल से लापता है, और जब वो 7 साल तक भी वापस नहीं आया तो उसका डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया है। कांग अपनी माँ की मौत के बाद ड्रग्स और जुए की तरफ चला गया। अब किम कांग की दी हुई लिस्ट के 3रे नंबर के विक्टिम के बारे में पता करने के लिए उसके घर जाता है, तो उसे वहाँ पता चलता है कि वो आदमी तो अभी भी जिंदा है। अब किम कांग से मिलकर उसे बताता है कि उसकी लिस्ट का 3रे नंबर का विक्टिम तो अभी भी जिंदा है। यहाँ पर कांग किम से कहता है कि उसने इतने सारे मर्डर किए हैं कि उसे याद भी नहीं कि उसने किसको मारा और किसको छोड़ दिया। अब और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए किम कांग को अपने सनग्लासेस और कुछ पैसे देता है। कांग अपनी दी हुई मर्डर की लिस्ट में पहले केस के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए वो अब सीधे दूसरे केस पर आता है, जो मर्डर एक क्लब डांसर का होता है। कांग किम को बताता है कि 2008 में वो कैब चलाता था। एक रात उसकी कार में एक क्लब डांसर लड़की बैठी जो बहुत बदतमीज थी, इसीलिए उसने एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसे मार दिया। उसकी आधी बॉडी को उसने कब्रिस्तान में दफन किया और आधी बॉडी को नदी में फेंक दिया। कांग ने किम को उस जगह का मैप बनाकर दिया। पहले तो किम कांग की बताई हुई जगह पर जाता है और ये कंफर्म करता है कि ऐसी कोई जगह है भी कि नहीं, और फिर वो कंफर्म करता है कि 2008 में कोई कांग नाम का कैब ड्राइवर था या नहीं, लेकिन किम को उस लड़की का नाम नहीं पता होता है। तो अब किम कांग जिस एरिया में कैब चलाता था उस एरिया से 2008 में कौन कौन सी लड़की मिसिंग थी ये लिस्ट निकालता है, और किम जब काफी मेहनत करता है तो उसे पता चलता है कि ओजिन नाम की लड़की लापता है। किम को यही पता चलता है कि ओजिन एक क्लब डांसर थी। अब किम जाकर ओजिन की दादी से मिलता है और वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती हैं, लेकिन ओजिन की दादी अब सिर्फ यही जानना चाहती है कि उसकी ओजिन जिंदा है या नहीं। अब किम वारंट निकलवा कर उस कब्रिस्तान जाकर वहाँ पर जगह जगह पर खुदाई करवाता है, लेकिन यहाँ पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। तो चीफ उस पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं उसने एक झूठे क्रिमिनल की बातों में आकर डिपार्टमेंट का टाइम खराब किया है, लेकिन किम यहाँ पर हार नहीं मानता और वो अकेला ही अपने असिस्टेंट जो के साथ रात भर खुदाई करता है
और आखिरकार सफलता उसके हाथ लगती है और उन्हें मिट्टी में दबा हुआ इंसानी कंकाल मिल जाता है। लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर किम से कहती है कि इतने सबूत कांग को अदालत में मुजरिम करार देने के लिए काफी नहीं है। इसीलिए किम अब कांग से पूछताछ करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार कांग पूरी तरह से मुकर जाता है और वो कहता है कि मैंने कभी भी किम को किसी मर्डर के बारे में बताया ही नहीं और मैंने कोई मर्डर किया भी नहीं। और उल्टा वो किम पे इल्जाम लगाता है कि उसने उसे झूठ बोलने के लिए पैसे दिए। अब किम और पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिल्कुल असहाय हो जाते हैं और तभी फॉरेंसिक की रिपोर्ट आती है जिसमें डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि वो आधा कंकाल ओजिन का नहीं है और जिस लड़की का ये कंकाल है उसकी मौत ओजिन की मौत से बहुत साल पहले हुई है। अब ये केस पूरी तरह से बिगड़ जाता है। अब किम का पुराना बॉस उसे बताता है कि यही कांग की चाल है, वो तुम्हारा इस्तेमाल करके खुद को कोर्ट में बेगुनाह साबित करना चाहता है। वो तुम्हें दूसरे नकली क्राइम की रिपोर्ट देगा जिसकी तुम इन्वेस्टिगेशन करोगे, तुम सबूत ढूंढ निकालोगे और वो सबूत कांग को कोर्ट में अपराधी साबित करने के लिए काफी नहीं होंगे और तुम्हारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पूरे सबूत न होने के कारण कोर्ट कांग को बाइज्जत उन केस से बरी कर देगी और फिर कांग बड़ी चालाकी से कोर्ट को बताएगा कि उसे जिस केस में सजा दी गई है उसमें भी वो निर्दोष है और फिर कोर्ट कांग को उस केस से भी रिहा कर देगी या तो उसकी सजा कम हो जाएगी। अब जब ऐसा होगा तो तुम्हारी बदनामी होगी। अब किम और उसके असिस्टेंट जो को भी ऐसा ही लगने लगता है कि कांग उन्हें बेवकूफ बना रहा है। किम अब कांग की दी हुई मर्डर लिस्ट को चेक करता है तो उसे नजर आता है कि पहला मर्डर बहुत समय पहले हुआ है जब कांग यंग था, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने का कोई मतलब नहीं बनता। दूसरे नंबर पर उस कैब में बैठी हुई लड़की का मर्डर हुआ जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तीसरे नंबर पर उस आदमी का मर्डर था जो तहकीकात करने पर जिंदा पाया गया। चौथे नंबर का मर्डर यूनिवर्सिटी के सामने से उठाई गई लड़की का था, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और पांचवें नंबर पर ओजिन, मगर जिसका कंकाल मिला तो वो किसी और का था। अब रहा छठवां विक्टिम जिसे कांग ने चाकू से और जला कर मारा था, यही वो विक्टिम था जिसे कांग ने बिल्डिंग के अंदर मारा था, किसी सुनसान जगह नहीं, इसीलिए उसकी रिपोर्ट होने के चांसेस थे। किम कांग से उस छठवें विक्टिम के बारे में पूछता है तो कांग उसे बताता है कि कैसे उसने उसे गली में पकड़ा और कमरे में ले जाकर पहले उस पर चाकू से कई बार करे और फिर बड़ी बेरहमी के साथ उसे जिंदा ही जला दिया जिसमें उसका कोट भी जल गया था। अब किम जला के मारे गए विक्टिम्स के अनसॉल्व केस देखता है तो उसे एक केस मिलता है जहां पर एक 20 साल के लड़के को पहले चाकू से और फिर जला कर मारा गया था। किम अब जब तहकीकात करता है तो उसे वो कोड भी मिल जाता है जो कांग ने जले होने के कारण टेलर को सिलने के लिए दिया था। अब लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कांग को उस जगह पर लाया जाता है जहां पर मर्डर हुआ था, जहां कांग ये बताता है कि किस तरह से उसने उस रात उस लड़के को मारा था। अब किम और पब्लिक प्रोसिक्यूटर कांग के विरुद्ध कोर्ट में केस खड़ा करते हैं, लेकिन ये सबूत पूरी तरह से ये नहीं दर्शा पाते कि वो जो मर्डर उस रात को हुआ था वो कांग ने ही किया था और टेलर भी पूरे दावे के साथ नहीं कह पाता कि वो कोर्ट कांग का ही है। अब डिफेंस के वकील किम पर पलटवार करते हैं और कहते हैं कि उसने अपना प्रमोशन पाने के लिए और अपनी बीवी की मौत के डिप्रेशन से तंग आकर ये झूठा केस तैयार किया है और इसके लिए किम ने जेल में जाकर कांग को $10,000 भी दिए जो एक बड़ी रकम है। जिस चाकू से मर्डर हुआ उसकी ब्लेड पर कांग के उंगलियों के निशान नहीं थे और उस चाकू में तो हैंडल भी नहीं था। जो जूते क्राइम सीन पर पाए गए वो जूते भी कांग के जूतों से नहीं मिलते, उनमें भी साइज के अलावा कोई सिमिलरिटी नहीं है। अब किम कोर्ट में बहुत ही ज्यादा भावुक होकर बयान देता है और कहता है कांग के मुंह को खून लग चुका है और जब कांग 15 साल बाद जेल से छूट कर आएगा तो वो फिर से मर्डर करना जारी रखेगा, वो मर्डर करना बंद नहीं करेगा और ऐसे खूनी को छोड़ना समाज के लिए घातक है। अब सबूतों की कमी होने के कारण कोर्ट कांग को उस छठे मर्डर केस से बाइज्जत बरी करता है। अब यहाँ पर ठीक वैसा ही होता है जैसा कि किम के बॉस ने उससे कहा था। अब यहाँ पर कांग कोर्ट में अपील करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सूजन के मर्डर के इल्जाम से उसे बरी किया जाए। इससे किम की बहुत ज्यादा बदनामी होती है और अब किम को डिपार्टमेंट से निकाल लिया जाता है। अब रात को घर जाते समय किम अपना ड्रॉअर खाली कर रहा होता है कि तभी उसकी नज़र उस कंकाल के फोटो पर जाती है जो उसे कब्रिस्तान में मिला था। उस मिट्टी में पड़े कंकाल के पास उसे एक बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट दिखता है। इस सबूत को देखकर किम को अंधेरे में एक रोशनी दिखाई देती है। अब वह 2005 से 2007 के बीच शहर में जिन लड़कियों ने वह बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट लगवाया है उन लड़कियों की लिस्ट मंगवाता है और उसी समय में मिस हुई लड़कियों की लिस्ट को उससे मैच करता है और ये लिस्ट मैच करने पर उसे पता चलता है कि मियोन नाम की एक ऐसी ही लड़की है जो कि मिसिंग है। मियोन ने उसी दौरान बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट लगवाया था। आगे तहकीकात में किम को पता चलता है कि जिस रात मियोन मिस हुई थी उस रात उसे एक नंबर से कई बार कॉल आया था। मिसिंग होने के दूसरे दिन से उस फोन से कोई फोन नहीं आया और आगे किम को पता चलता है कि जिस फोन से कॉल आए हैं वो फोन कॉन्ग की बहन के नाम पर रजिस्टर्ड है। आगे किम मियोन की एक सहेली से मिलता है। उसकी सहेली किम को बताती है कि मियोन
कॉन्ग की गर्लफ्रेंड थी और उन दोनों में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। और मियोन का एक बड़ा लड़का भी था। किम मियोन के लड़के से पूछताछ करता है तो वो बताता है उस रात मियोन यानी उसकी माँ कॉन्ग से मिलने गई, लेकिन जब वो उस रात वापस नहीं आई तो उसे लगा उसकी माँ कॉन्ग के साथ भाग गई। लेकिन उस रात मियोन कॉन्ग से अपने सभी रिश्ते तोड़ने के लिए गई थी और शायद इसीलिए कॉन्ग ने उसे मार डाला और उसकी आधी बॉडी को कब्रिस्तान में गाड़ दिया और आधी बॉडी को नदी में फेंक दिया। अब किम कॉन्ग की सिस्टर से मिलने जाता है क्योंकि उस रात जिस फोन से उसे कॉल किया गया था वो इसी के नाम पर रजिस्टर्ड था। कॉन्ग की बहन से किम को पता चलता है कि कॉन्ग की लिस्ट में लिखा हुआ पहला मर्डर उसके बाप का ही था। अपने बाप से तंग आकर उसने उसे मारा और उसकी लाश को भी नदी में फेंक दी। अब किम कॉन्ग से मिलने के लिए जेल में जाता है और उसे बताता है कि उसे पता है कि उसके लिस्ट में पहले और नंबर दो के मर्डर उसने कैसे किए। कॉन्ग ये सुनकर भौचक्का रह जाता है। उसके बाप के मर्डर केस में तो उसे सजा नहीं मिल सकती क्योंकि कोरिया के कानून के अनुसार 15 साल पहले किए गए जुर्म की सजा नहीं दी जा सकती और कॉन्ग के बाप का मर्डर तो 20 साल पहले हुआ था। कोरिया के इस कानून को स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन कहते हैं। लेकिन कॉन्ग को मियोन के मर्डर के जुर्म में कोर्ट में पूरे सबूतों के साथ खड़ा किया जाता है। वहां पर मियोन का लड़का भी कॉन्ग को पहचान लेता है। अब टेलीफोन के रिकॉर्ड और कॉन्ग और मियोन के निजी संबंध, इन सब सबूतों के कारण उसे उम्र कैद की सजा दी जाती है। इस केस की सफलता के बाद किम फिर से होमिसाइड डिटेक्टिव बन जाता है। अब वो कॉन्ग के लिस्ट में बचे बाकी के विक्टिम्स के तहकीकात में लग जाता है जिसमें पहला नाम ओजिन का होता है। किम जानता है कि कॉन्ग ने उसी नदी वाले लोकेशन पर सभी मर्डर्स किए हैं और उन्हें वहीं गाड़ दिया क्योंकि ओजिन के मोबाइल का लास्ट सिग्नल भी उसी जगह का होता है। और उधर कुछ सालों बाद कॉन्ग जेल में सुसाइड कर लेता है। इसलिए कॉन्ग के लिस्ट के बाकी के जुर्म अब अनसॉल्व ही रहने वाले थे और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।